नमस्कार। आज हम करेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, उन आयनिक ठोसों में परमाणु या आयन किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, उनकी संरचना क्या होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कि आयनिक बंध होता क्या है, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन्स की दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स के पूर्ण आदान प्रदान से आयनिक बंध बनता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। तो जब धनायन और ऋणायन विपरीत आवेशित आयन है, अब इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, और उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। यानी कि जब विद्युत धनीय तत्व और विद्युत ऋणीय तत्व के बीच क्रिया करता है, तत्व आपस में क्रिया करते हैं, तो उसमें कौन सा बंध बन जाता है, वो आयनिक बंध। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयन, और इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो सोडियम धनायन बन गए एक इलेक्ट्रॉन त्यागते। क्लोरीन है, क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका अष्टक पूर्ण होकर के कितना हो गया, 8 हो गए। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेता है, क्लोराइड आयन। क्या बनेगा, क्लोराइड आयन। ठीक, तो ये भी इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी कि सोडियम है वो अपने बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके नियोन अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है और सोडियम आयन बनाता है। क्लोरीन है वो क्या करेगा कि अपने बाह्यतम कोष में सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको ग्रहण करके आर्गन का अक्रिय स्थायी विन्यास ग्रहण कर लेते हैं और किस में बदल जाता है, क्लोराइड आयन में। तो ये धनायन और ऋणायन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि हमें पता है कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे, आयनिक बंध। और ये विपरीत आवेशित आयन एक निश्चित क्रम में, निश्चित सिस्टमेटिक एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर के एक जाल सा बना जालक बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब अगर दो परमाणु हैं उनके बीच में जितनी विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही आयनिक बंध है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रबल आयनिक बंध होगा। आयनिक बंध की जो बंध है उसकी प्रकृति कैसी होती जाएगी, आयनिक होती जाएगी। और हमें पता है कि आयनिक बंध है वो उसका आकर्षण है, विपरीत आवेशित आयन है वो चारों तरफ से एक जैसे आकर्षण रहेगा उसका, सभी तरफ से। अगर कोई विपरीत आवेशित आयन है जैसे धन आयन है, उसके आसपास जब कोई ऋणावेशित आयन आएगा तो वो तो चारों तरफ से एक जैसा आकर्षण रहेगा उसके, चाहे एक्स डायरेक्शन में आए, चाहे वाई में आए, चाहे जेड में आए, आकर्षण बल कैसा होगा, समान होगा। तो इसलिए जो आयनिक बंध है वो कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और इनसे जो त्रिविमीय संरचना, विपरीत आवेशित आयनों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने पर त्रिविमीय, जो एक त्रिविम संरचना बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहलाता है वो, क्रिस्टल जालक। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा कि आयनिक बंध का निर्माण किस किस पर निर्भर करता है। तो ये तीन मुख्य कारक हैं जिन पर आयनिक बंध का निर्माण निर्भर करता है। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है,
किसी भी विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना ही क्या होगा, आसान होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आसानी से धनायन बनेगा, यानी कि धनायन बनने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी अगर आयनन ऊर्जा का मान कम है। तो धनायन बनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आयन बनने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति भी उतनी ज्यादा होगी और आसानी से आयनिक बंध बनेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम की आयनन ऊर्जा का मान, सोडियम आयन की आयनन ऊर्जा का मान मैग्नीशियम आयन की आयनन ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है। तो सोडियम की धनायन बनाने की प्रवृत्ति मैग्नीशियम की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। मैग्नीशियम आयन की किससे अधिक होती है, एल्यूमिनियम से अधिक होती है। तो आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगी, सोडियम में, फिर मैग्नीशियम में, फिर एल्यूमिनियम। ऐसे ही अगर हम वर्ग में बात करें, सबसे ऊपर क्या होता है, लिथियम, फिर उससे नीचे सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, आसान होता है, तो इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, तो इसकी धनायन या आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम इसकी होगी, फिर इससे कम इसकी, फिर इससे कम इसकी, और सबसे कम लिथियम की होगी। दूसरा कारक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन निकाल जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, वो आयन क्या होगा, उतना स्थाई होगा, तो उसकी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, क्लोरीन से फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति किसमें होगी, क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, और फिर आयोडीन में। थर्ड कौन सा है, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। तो जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वो आयनिक यौगिक बनाने के पक्ष में होते हैं, यानी उच्च जालक ऊर्जा आयनिक यौगिक कैसे होंगे, अधिक स्थाई होंगे। तो ये आयनिक बंध बनाने में तीन कारक थे जिनके ऊपर ये आयनिक बंध का निर्माण निर्भर करता, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा। अब जो आयनिक यौगिक है उनके गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। तो आयनिक यौगिकों के गुण क्या है, एक तो इनके भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, और ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय और क्षण भंगुर होते हैं। इनमें कौन सा गुण होता है, ब्रिटलनेस। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन, एक आयन है जो विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर बल लगाते हैं, पुश करते हैं, तो बल लगाने के कारण क्या होगा, इसमें समान आवेशित आयन क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये क्रिस्टल हमारा क्या होता है, टूट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस, क्षणभंगुरता। दूसरा इनका गुण क्या होता है, आइसोमोर्फिज, समरूपण। तो समरूपण क्या होता है, यदि ऐसे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, समरूप, आइसोमोर्फस, क्या कहलाते हैं वो, समरूपक, आइसोमोर्फस।
अर्थात उनके धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बन गया, सोडियम आयन। उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसमें, 10। फ्लोरीन है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया इसने, फ्लोराइड आयन। तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, -1। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 9 की जगह इसमें इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सोडियम आयन में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10। फ्लोरीन में भी कितने, फ्लोराइड आयन में भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो दोनों आयन, धनायन और ऋणायन में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा ही हो गया। तो ऐसे यौगिकों को, ऐसे आयनों को हम क्या कहेंगे, समरूपक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, समरूपक। जैसे Mg है, मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कैसा है? आवेश आ गया इसमें Mg2+, और संयोजकता कितनी होगी इसकी, 2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके, 2 और 8 10। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें, 10। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, -2। आवेश कितना आ गया इसके ऊपर, O2-, ऑक्सीजन आयन बन गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे, 2 और ग्रहण कर लिए तब कितने हो गए, 10। तो मैग्नीशियम में भी इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम आयन में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो इनको हम क्या कहेंगे, समरूपक, आइसोमोरफस, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। अब नेक्स्ट है गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल होता है, इसमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। इसलिए प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। अगला गुण है इनका चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता किसके ऊपर निर्भर करेगी, आयनों की गति पर। जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें आयन्स होते हैं, धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं। जब हम इसको किसी विलयन में डालते हैं, विलायक में विलय करते हैं, तो ये आयन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और इन आयनों की गति के कारण ही ये क्या करते हैं, चालकता शो करते हैं। तो सबसे ज्यादा चालकता जलीय विलयन होगा तो आयन बिल्कुल दूर दूर होंगे, गलित अवस्था में थोड़े पास होंगे तो चालकता थोड़ी कम होगी, ठोस अवस्था में बिल्कुल पास पास होते हैं तो उनका मोमेंट, मोबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए चालकता भी उनमें कम होगी। तो सबसे ज्यादा गलित अवस्था में चालकता होगी, उससे कम, नहीं, सबसे ज्यादा जलीय अवस्था विलयन में चालकता होगी, उससे कम गलित अवस्था में, और सबसे कम ठोस अवस्था। विलेयता, सॉलिबिलिटी, हमें पता है कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ध्रुवीय होंगे, तो ये और लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, तो ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय या बहुत कम विलय होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, जल में आसानी से विलय हो जाता है, क्योंकि जल कैसा यौगिक, कैसा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है, जबकि बेंजीन में कैसा होता है, कोलोइडल स्टेट में बहुत कम विलय होता है, क्योंकि बेंजीन कैसा विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। नेक्स्ट है इसकी आयनिक क्रियाएं। आयनिक यौगिक हैं वो आयनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और जो सहसंयोजक यौगिक थे वो कैसी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, आण्विक अभिक्रिया, क्योंकि आयनिक यौगिकों में फ्री आयन्स होते हैं, इसलिए वो कैसी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक बंध क्या बताया था, कि चारों तरफ से समान रूप से विपरीत आवेशित आयन को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं, अदिशात्मक होते हैं,
नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होंगे तो इसका मतलब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो भी प्रदर्शित नहीं करते। तो ये था आयनिक बंध और आयनिक यौगिक के बारे में। थैंक यू।